अस्सलाम वालेकुम बेटे। लास्ट टाइम हमने डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर डिस्कस किए थे और इन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को एक स्केल से टेम्परेचर को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना सीखा था। इफ़ यू डिडंट सी डेट वीडियोस तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। किसी भी सब्सटेंस की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी। ये कोई भी वो फिजिकल प्रॉपर्टी है विच चेंजेस मेजरेबली विद टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो रही है। वो तमाम प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस की जो टेम्परेचर जैसे ही चेंज हो वो प्रॉपर्टी बॉडी की क्या हो जाए? चेंज हो जाए। बॉडी की वो प्रॉपर्टी को, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। आप जानते हैं थर्म से मुराद हीट है, टेम्परेचर है, तो मतलब वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहेंगे बेटे? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। बेटे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं उनकी एग्जाम्पल्स को। उनकी एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम देखते हैं किस चीज़ को? थर्मल एक्सपेंशन को बेटे। थर्मल एक्सपेंशन इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है, आप उस सब्सटेंस को हीट दें, उसकी डायमेंशंस क्या हो जाएं? चेंज हो जाए, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए, या उसका एरिया इंक्रीज हो जाए, या उसका कंप्लीट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। हीट की वजह से इसकी डायमेंशंस में चेंज हो, बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है बेटे, थर्मल एक्सपेंशन। बेटे इसके अलावा सेकंड एग्जांपल्स में हम किसको देख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस आपने ले लिया, लेकिन वो सब्सटेंस कौन सा है? गैसियस सब्सटेंस है। बेटा इस सिलेंडर पिस्टन के अंदर मैंने सर्टेन गैस को रख दिया और मैंने क्या किया? इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया, मींस मैंने इसको हीट किया। जब मैं इसे हीट करूंगा तो बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल फास्ट मूव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। यानी अगर मैं प्रेशर कॉन्स्टेंट रखता हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये इस जगह पर तकरीबन आ जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम क्या हो गया? इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो बेटा वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है? इस सब्सटेंस का, इस गैसियस सब्सटेंस का, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, गैस का वॉल्यूम क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर हो गया बेटे? हम इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, एक और एग्जांपल में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटे यही सब्सटेंस में लेता हूं, इस सब्सटेंस में अब मैं क्या करता हूं बेटे, के बेटे यही गैसियस सिस्टम मैंने ले लिया, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम। इसके ऊपर लेट सपोज मैंने दो वेट रखे हुए, तो बाहर से कोई प्रेशर होगा इसके ऊपर, अंदर से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं, उसने इस चीज़ को यहाँ पर रोक कर रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं हीट देता हूँ। जब मैं हीट दूंगा तो ये पिस्टन क्या होगा? ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये पिस्टन ऊपर ना जाए, मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वेट उठाकर इसके ऊपर रख देता हूँ। बेटा मैंने अगर स्लोली इसके ऊपर एक और वेट रख दिया तो अंदर से जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है वो बाहर वाला प्रेशर ने उसको मेंटेन कर दिया, ये इसी जगह पर रहता है। यानी अगर मैं इसका किसी तरीके से वॉल्यूम को क्या रख देता हूँ बेटे? कांस्टेंट रख देता हूँ, तो इस गैसियस सिस्टम में मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ हीट से, तो वो टेम्परेचर क्या कर रहा है? प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है। देखें पहले प्रेशर दो मैंने ऊपर से बार रखे हुए थे, वो नीचे से प्रेशर उसको मेंटेन कर रहा था। अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हूँ और हीट दे रहा हूँ, हीट दूंगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर पिस्टन ऊपर ना जाए तो मैं इसके ऊपर वेट रखता जाऊँगा ताकि पिस्टन ऊपर ना जाए। मैं वेट रख रहा हूँ, इसकी वजह से वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रह रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? अंदर जो है उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जिस तरह प्रेशर कुकर है, आपने प्रेशर कुकर के अंदर तो वो मूव नहीं कर सकता ना, आप उसे फिट कर देते हैं की से। अब क्या होगा, अगर आप हीट देते जाएंगे तो अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इतना प्रेशर बाज़ औक़ात बढ़ जाएगा कि वो ब्लास्ट हो जाएगा अगर आप उसका प्रेशर वॉल को जो है ओपन मुसलसल नहीं करते रहेंगे। यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर, रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि आपके पास कोई एक कंडक्टर वायर है, अगर वो वायर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, लेकिन किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। बेटा ये MCQs के पॉइंट्स हैं, इन्हें आपने गौर से याद रखना है। एक और चीज़ बेटा, रेजिस्टेंस
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, किस चीज के अंदर बेटा? सेमी कंडक्टर्स के अंदर, सेमी कंडक्टर्स के अंदर, सेमी कंडक्टर्स में, यानी कि आपके पास सिलिकॉन है या इस तरह की कोई भी आपने जो है ना मटेरियल लिया हुआ है, उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन कंडक्टर्स के अंदर अगर आप उसे हीट कर देंगे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं बेटा? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडिंग अपॉन दी टेम्परेचर। बेटा हमने इन सारी प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ और सिर्फ इसको मज़ीद डिस्कस करना है, थर्मल एक्सपेंशन। तो बेटा थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन हम किस तरह दे देते हैं बेटे? इंक्रीज इन डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी, इंक्रीज इन डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी ड्यू टू हीट। बेटे अगर किसी भी बॉडी की डायमेंशंस बढ़ रही हैं किसकी वजह से? जो हीट आप सप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से, तो ऐसी एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं बेटे? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब अगर मैं कोई सॉलिड बॉडी ले लेता हूँ, लेट सपोज मैंने ऐसी बॉडी कंसिडर कर ली बेटे, अगर मैं ऐसी बॉडी कोई कंसिडर कर लेता हूँ तो इस बॉडी के अंदर डायमेंशन इसकी कौन कौन सी हैं? इसकी डायमेंशन बेटा एक तो हो जाएगी इसकी लेंथ, एक डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी बेटा? लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, दिस इज लेंथ ऑफ दिस सॉलिड बॉडी। बेटे अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये डिस्कस कर लूँ, दिस इज हाइट। और बेटा अगर ये कोई सॉलिड बॉडी है, ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी हाइट, तो ये जो इसकी बैक साइड पर जा रही है जितनी इसकी थिकनेस है, इसको मैं क्या कह दूंगा बेटा? दिस वन, दिस वन इज यहाँ से लेकर यहाँ तक के, दिस इज ब्रेड्थ। तो बेटा अगर कोई भी आपके पास सॉलिड बॉडी है उसके अंदर कितनी डायमेंशन होती हैं? उसके अंदर तीन डायमेंशन होती हैं, एक लेंथ हो गई, एक हाइट हो गई और एक ब्रेड्थ हो गई। इसको हम इस तरह भी शो करते हैं बेटा, एक डायमेंशन ये हो गई, दिस इज लेंथ एल, दिस इज हाइट एच, एंड दिस वन इज ब्रेड्थ बी। बेटे अगर किसी भी बॉडी की इन तीनों डायमेंशन में से एक भी डायमेंशन हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रही है तो मैं कहूँगा थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन बेटा तीन किस्म की होती है। पहली थर्मल एक्सपेंशन कौन सी होती है बेटे? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा बेटे? बॉडी की सिर्फ और सिर्फ लेंथ में चेंज होगा। लीनियर, लीनियर वर्ड का मतलब क्या है बेटा? एक डायमेंशन। लीनियर का मतलब क्या हो गया बेटे? वन डायमेंशन, सिर्फ बॉडी की एक डायमेंशन में तब्दीली होगी। तो ऐसी ऐसे चेंज को मैं क्या कहूंगा? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब वो एक डायमेंशन सिर्फ ऐसे हो सकता है कि लेंथ इंक्रीज हो जाए, ऐसे हो सकता है कि सिर्फ ब्रेथ इंक्रीज हो जाए, ऐसे हो सकता है कि सिर्फ हाइट इंक्रीज हो जाए। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से सिर्फ एक डायमेंशन में अगर चेंज आ रहा है, इस तरह की एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बेटा सेकेंड कौन सी हो जाएगी? सुपरफेशियल थर्मल एक्सपेंशन, सुपरफेशियल थर्मल एक्सपेंशन। बेटा सुपरफेशियल थर्मल एक्सपेंशन कौन सी एक्सपेंशन है बेटा? जिसमें एरिया के अंदर चेंज हो, यानी एरिया में कितनी डायमेंशन होती हैं? टू डायमेंशंस। ऐसी थर्मल एक्सपेंशन जिसके अंदर किसी भी बॉडी की एक ही वक्त में हीट देने की वजह से दो डायमेंशंस चेंज हो, जैसा कि एक बॉडी है उसके ब्रेथ में भी चेंज हो गया और उसकी हाइट भी इंक्रीज हो गई, दो डायमेंशन हो गई। चलो हाइट में इंक्रीज नहीं हो रही, ब्रेथ में इंक्रीज हो गई और लेंथ में इंक्रीज हो गई, एक वक्त में अगर दो डायमेंशंस में चेंजिंग आ रही है हीट की वजह से, ऐसी एक्सपेंशन को हम कहेंगे सुपरफेशियल थर्मल एक्सपेंशन। हमारे कोर्स में ये नहीं है, सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर हम इसको नहीं पढ़ेंगे बेटा। थर्ड वन कौन सी हो जाएगी बेटे? थर्ड वन हो जाएगी वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा बेटे? वॉल्यूम में क्या होती है, कितनी डायमेंशन होती हैं बेटा? वॉल्यूम में होती हैं थ्री डायमेंशंस, थ्री डायमेंशंस। क्लियर हो गया बेटे? वॉल्यूम में कितनी डायमेंशंस हैं? थ्री डायमेंशंस। तो किसी भी बॉडी की अगर हीट की वजह से तीनों डायमेंशंस तब्दील हो रही हैं एक साथ, तीनों डायमेंशंस यानी उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, उसकी ब्रेथ भी इंक्रीज हो रही है और उस बॉडी की हाइट भी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और उसकी डेरिवेशन को करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।